हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, पाइथन सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो पाइथन प्रोग्रामिंग की, इस छोटे से वीडियो में आपको जो ट्रायंगल पैटर्न था जो कल शायद नहीं बना था लाइव क्लास में, उसके बारे में दिखा देता हूं कैसे बनेगा। ये यहां पर देख लीजिए, ये कोडिंग मैंने कर रखी है और यहाँ पर यूजर डिफाइन फंक्शन ट्राइंगल नाम से बनाया। अब यहाँ पर देख सकते हैं ये कोडिंग कुछ इस तरीके से लिखी गई है। यहाँ पर एक लूप लगाया, दो लूप लगाया, तीन फॉर लूप का यूज किया मैंने और यहाँ बैकस्लैश आर लगाया। और यहां से अगर मैं F5 करता हूं, यानी इसको रन कराने की कोशिश करता हूं, सबसे पहले इसको सेव करने का वर्क करना होगा। तो चलिए इसको सेव कर लेते हैं। तो मैं इसे ट्राइंगल के नाम से सेव करता हूं, तो ये लिख लिया ट्राइंगल कुछ इस तरीके से। और यहां लगा देंगे .py इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ पाइथन, ठीक है। तो ये पाइथन के फाइल की एक्सटेंशन होती है और यहां पर इसको एंटर करके इस तरीके से सेव कर लेंगे। जैसे ही सेव करेंगे तो ये देखिए, ये इस तरीके से ट्राइंगल पैटर्न क्रिएट होगा, देख सकते हैं ना। तो ये बहुत आसान है। अब ये यहां पर दिया गया है कि ये पांचवी लाइन का बनेगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए, ये n इज इक्वल टू 5 लिखा। अगर मैं इसमें चेंजेस परफॉर्म करता हूँ, लाइक यहाँ पे कर देता हूँ n इज इक्वल टू 7, अब f5 करता हूँ तो क्या होगा। तो यहाँ देखिए 7 लाइन का पैटर्न प्रिंट हो रहा है। ये देखिए 1 2 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7, ठीक है ना। अगर मैं 8 कर दूंगा तो 8 लाइन का पैटर्न प्रिंट होगा। तो यहाँ पे n की वैल्यू जो भी होगी, यहाँ पे 10 कर दिया तो 10 लाइन का पैटर्न प्रिंट होगा। तो देख सकते हैं 10 लाइन का ही पैटर्न प्रिंट होकर आपके सामने आया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।